कांगड़ा के नूरपुर में स्कूल बस हादसे में मारे गए 26 बच्चों सहित 30 लोगों की मौत पर प्रदेश कांग्रेस ने दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों से सरकार को सबक लेने की आवश्यकता है। नरेश चौहान ने हादसे की उचित जांच व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। जो कल नूरपुर में एक स्कूल बस में जो हादसा हुआ, जिसमें 30 के करीब मासूम बच्चों की जो जानेंगे, इससे बहुत दुखद समाचार है। पूरे प्रदेश में लोग बहुत दुखी थे और हम भी बहुत संवेदना प्रकट करते हैं कि इन मासूम बच्चों के परिवार को प्रति भी और उनके प्रति भी। हाँ, बहुत दुखद समाचार था और ख़ास तौर पे ऐसे हादसों से आगे के लिए भी सबक लेने की आवश्यकता है। सरकार को पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो उनका एक स्पीड लिमिट तय करना चाहिए कि भाई जो बस स्कूल के बच्चों को लेके जाती है पूरे प्रदेश के अंदर, उसकी जो सीमा होगी स्पीड की, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो वो सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। और उसी प्रकार से पिछली सरकार, जब जीएस बाली जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनका भी मैंने बयान देखा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमने ये सारा तैयार किया है खाका कि, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और वो इम्प्लीमेंट हो। उसके लिए प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, उनको इन्वॉल्व करना और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस हादसे के ऊपर हम दुख प्रकट करते हैं और इसकी जांच सरकार ने आदेश दिए और उसमें सब कुछ सामने आना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा और दुखद हादसा क्यों हुआ। इंक्वायरी वाली बात हुई है, उसमें सब कुछ सामने होना आना चाहिए कि नेग्लिजेंसी तो हुई होगी, या ड्राइवर ठीक था, उसके पास लाइसेंस ठीक था, या ओवर स्पीड था, या वो कोई ब्लैक स्पॉट था, क्या कारण था, ये एक जांच का बहुत गंभीर विषय है। और मैं ये समझता हूँ, ये मांग करता हूँ सरकार से कि इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आज एक्सीडेंट हो गया है, पूरे प्रदेश में दुख है, ये नहीं कि अगले हफ्ते इसको हम भूल जाएं। इसको बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि आइंदा इस प्रकार के हादसे रोके जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।